अस्सलाम वालेकुम जी, डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम रिकॉर्ड अकाउंटिंग की बात करेंगे। अकाउंटिंग में तो सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, ये डेफिनेशन आपको समझाने से पहले ना मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि सपोज अगर आप कहीं मतलब ये स्कूल में दाखिला लेते हैं तो सबसे पहले आपका नाम दाखिल होता है, रिकॉर्ड होता है, फिर आपको क्लास में भेजते हैं और फिर जब टीचर निकलता है तो टीचर से पूछते हैं कि यार बच्चा कैसा था। अकाउंटिंग भी इसी तरह करती है, यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई काम होता है, लेन देन होता है, उसको रिकॉर्ड करती है, उसको फिर क्लासिफाई करती है और फिर उसको मॉनिटर, उसको इंटरप्रेट करती है किनको, ट्रांजेक्शन्स को। और ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? दो लोगों के दरमियान जो लेन देन होता है उसे ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करती है? तीन काम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग। किनको? मनी, मॉनिटरी कम्स फ्रॉम मनी, मॉनिटरी लेन देन यानी जो कैश में लेन देन होते हैं उनको ये क्या करती है? मॉनिटर करती है। बुक कीपिंग क्या है जी? बुक कीपिंग में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग होती है। अकाउंटिंग में तीनों काम होते हैं, बुक कीपिंग में सिर्फ एक काम होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी। बिजनेस क्या है जी? एनी लीगल एक्टिविटी, यानी हर वो कानूनी काम जो किसके लिए किया जाता है जी, जो इसलिए किया जाता है कि हम भाईजान हमने मतलब प्रॉफिट अर्न करना है। मसलन आप बुक शॉप लगा लें, बारबर शॉप को लगा लें, जनरल स्टोर लगा लें, तो ये सारे क्या हैं? बिजनेसेस हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो बंदा उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो वो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। जो बंदा वो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं, द ओनर ऑफ द बिजनेस। और जिस इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जब बंदा अपने घर से पैसे उठा के बिजनेस में लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब वो बिजनेस से उठा के घर ले जाता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जब क्या हुआ, घर से उठा के यानी अपने बिजनेस में लाया, घर से उठा के कहाँ लाया? बिजनेस में लाया, तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल, यानी इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। इन्वेस्टमेंट तब भी होगी ना, घर से उठा के बिजनेस में लगाएगा। अब देखें, दुकान तो अलग होती है, घर अलग होता है। और ड्राइंग्स क्या होती हैं? कि वो चीजें जो वो बिजनेस से उठा के घर ले जाएगा उनको क्या बोलेंगे? उनको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे जी? ड्राइंग्स बोलेंगे। ट्रांजेक्शन क्या होती है? एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्संस, ठीक है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। असद और इसहाक के दरमियान कोई चीज तय हुई कि इतने में बेचेगा, तो उनके दरमियान ट्रांजेक्शन हुई। डबल एंट्री सिस्टम, वो सिस्टम जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखते हैं उसे डबल एंट्री बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स लिखते हैं, यानी डेबिट एस्पेक्ट भी और क्रेडिट एस्पेक्ट भी। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट जो के मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को या होलसेलर देता है रिटेलर को, ठीक है, फ्रॉम द स्केजुअल्ड प्राइस। स्केजुअल्ड प्राइस होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, या इसे बोलते हैं और ऑन स्पॉट डिस्काउंट। ऑन स्पॉट डिस्काउंट क्या बोलते हैं? ऑन स्पॉट डिस्काउंट। जब वो देखो ना, जब वो सेल कर रहे होते हैं ना, सेलर और परचेजर, तो उस टाइम जो एक दूसरे को डिस्काउंट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और अब सेलर ने उसको चीजें बेच दी परचेजर को, परचेजर लेके चला गया, उसने कहा मैं 10 दिन बाद पैसे दूंगा। अब वो पैसे नहीं दे रहा, तो अब पैसे लेने के लिए कहता, यार देखो 100 रुपए की चीज थी, मैंने तुम्हें 90 में दी, अब 90 में से तुम मुझे 70 दे दो, 20 और ना दो। तो उस 20 रुपीज जो मजीद उसने डिस्काउंट किया है वो उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। यानी बेटे जो उन्होंने तय की थी ना प्राइस, उससे मजीद जो कम कर दी ना उसमें जितना, क्यों? ताकि वो कलेक्शन हो जाए विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ताकि कलेक्शन हो जाए विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ताकि कलेक्शन हो जाए विद इन स्पेसिफिक पीरियड, तो उसको हम कैश,
यार जब सेल हो रही है, एक बंदा सेलर परचेजर को जो डिस्काउंट दे रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट है, चीज़ें उधार पे गई, अब पैसे कलेक्ट करने हैं, तो अब मज़ीद डिस्काउंट दिया कि यार विद इन अ स्पेसिफिक टाइम जल्दी पैसे कलेक्ट हो जाएं। सेल्स दो तरह की, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, ठीक है, दो तरह की सेल्स होती हैं। अच्छा, सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब चीज़ें बिकी हुई वापस आ जाएंगी, जब बिकी हुई चीज़ें वापस आ जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, इनका मतलब वापस इन हो गई, वापस इन हो गई। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर टू द सेलर रिकॉर्डिंग द सेल रिटर्न बुक, परचेजेस भी दो तरह की हैं, और जब यानी कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, तो कैश परचेजेस क्या होती हैं, जब कैश लेन देन करें, और क्रेडिट परचेजेस यानी उधार पे होती हैं। परचेजेस रिटर्न जब जो सेलर है, सप्लायर है, व्हेन गुड गुड्स बॉट आर रिटर्न टू सप्लायर, जब आप सप्लायर को वापस करेंगे, ठीक है, जिससे आपने खरीदी थी, ठीक है, जब आपको आपका कस्टमर वापस करेगा तो सेल रिटर्न, जब आपने जिससे ली थी उसको वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न। देखो आप समझो कि आपकी एक बुक शॉप है, तो आप किताबें लाते हो ना, अगर स्टूडेंट्स आपको किताबें, आप कहाँ से लाते हो, कहीं शहर से ही लाते हो ना, तो शहर में जिस दुकान से लाते हो, आपने उस दुकान से परचेज की थी ना, आपने किसी शहर में किसी दुकान से, तो जब आप उस वो आप दुकान आपका सप्लायर है, वो आपको माल सप्लाई करता है, तो जब आप चीजें अपने सप्लायर को वापस करोगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, परचेज इज रिटर्न। अब आपने वो चीजें किसको बेची, स्टूडेंट्स को, जब स्टूडेंट आपको वापस करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, उसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, क्या बोलते हैं जी, सेल्स रिटर्न। स्टूडेंट कस्टमर है, कस्टमर वापस करेगा आपको तो सेल्स रिटर्न, और जब आप सप्लायर अपने सप्लायर जिसने आपको दी थी उसे वापस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। ठीक हो गया जी, डियर स्टूडेंट्स, हम आज ना इस डेफिनेशंस के साथ साथ कुछ ना रूल्स पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट के, कौन सी चीजें डेबिट होती हैं और कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं। जब भी इंक्रीज इन एसेट होगा तो डेबिट होगा, इंक्रीज इन एसेट होगा तो डेबिट होगा, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो क्रेडिट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसेट्स होते क्या हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, ये आपके एसेट्स हैं, ये आपके क्या हैं जी, एसेट्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जब ये बढ़ेंगे, कैश, बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे, अगर ये कम होंगे सारे तो ये क्रेडिट होंगे, अगर ये सारे कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, अगर ये कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेएबल, क्रेडिटर लोन, जब भी ये होगा इंक्रीज इन लाइबिलिटीज के ऑपोजिट होता है, यानी एसेट्स के ऑपोजिट होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो डेबिट होगा। ठीक हो गया, तो ये लाइबिलिटी ये आपने याद करनी है, ये आपने याद करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेएबल, क्रेडिटर लोन, ये लाइबिलिटीज होती हैं, और कैश, बैंक, डेट, इंक्रीज इन एसेट यानी डेबिट, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। कैश इनफ्लो डेबिट होता है, आउट यानी आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, परचेज इज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल रिटर्न सेल्स के आउट होता है, सेल्स रिटर्न वो डेबिट, और परचेज इज रिटर्न क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम्स डेबिट और सॉरी एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम्स क्रेडिट। बात यह है कि अब ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ना, बाखुदा नो बडी विल टेल, इस तरह किसी ने सीखा ही नहीं है, हर कोई कहता है जी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मैंने इतनी डिटेल में आपको ये बताए हैं ना, और बताए इसलिए ताकि जल्दी आप लोगों को चीजें याद हो जाएं, अदरवाइज ये इतनी जल्दी ट्रांजेक्शन फिर बंदे को करने में थोड़ा मसला रहता है। तो होपफुली आप लोग बड़े दिल लगा के इसको याद करेंगे। तो आज का लेसन मैं रिपीट कर दूं, आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग तीन चीजों से मिलकर बनती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, बुककीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग को बोलते हैं। बिजनेस कोई भी कानूनी काम जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है, जो इन्वेस्टर होता है, मालिक होता है, उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं, जितने पैसे वो लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, जब वो पैसे बिजनेस से उठा के घर ले जाता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, दो लोगों के दरमियान लेन देन को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं,
डबल एंट्री सिस्टम जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों को लिखा जाता है, जो ऑन स्पॉट डिस्काउंट होता है जो शेड्यूल प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। पैसे ताकि विद इन अ स्पेसिफिक टाइम कलेक्ट हो जाएं, जो मजीद डिस्काउंट दिया जाता है कैश डिस्काउंट बोलते हैं। सेल परचेज दो तरह की होती है, क्रेडिट और कैश सेल्स और क्रेडिट परचेजेस और कैश परचेजेस। जब कस्टमर सेलर को वापस करेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न, और जब सेलर अपने सप्लायर को वापस करेगा यानी बुक शॉप वाला, उसे परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। गोल्डन रूल्स मैंने बताए हैं कुछ डेबिट क्रेडिट के, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। एसेट्स क्या होते हैं ये मैंने साथ सारे लिख दिए हैं। कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट, से परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, और एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट। इसको आपने तोते की तरह याद करना है, डेफिनेशंस तो फिर भी, लेकिन दिस टेबल शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है, सोते जागते बैठते उठते इसका प्रिंट निकाल के अपनी दीवार के ऊपर लगा लें, ठीक है, जब भी उठा इसको देखा, जब भी उठा इसको देखा। तो इसको तैयार करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे।